इतिहास के पन्नों में एक वक्त ऐसा भी था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे में भारत पर अंग्रेजों की बुरी नजर पड़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों को ब्रिटिश शासकों के अधीन होकर गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज भारत कैसे आए थे और उन्होंने किस तरह पूरे देश पर सालों तक हुकूमत की? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास के इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भारत कैसे आए थे अंग्रेज? भारत को भले ही सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन हमारे देश में सिर्फ सोना, चांदी और हीरे ही नहीं थे, बल्कि भारत एक कृषि प्रधान देश था और यहाँ कई प्रकार के खुशबूदार मसालों का उत्पादन किया जाता था। ऐसे में इन्हीं मसालों की महक अंग्रेजों को भारत तक खींच लाई थी। भारत में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपने पैर पसारे थे, जिसकी नींव 31 दिसंबर 1600 में जॉन वॉट्स और थॉमस स्माइथ द्वारा रखी गई थी। इस कंपनी को ब्रिटेन से बाहर व्यापार करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था और वहां की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती थी। ऐसे में गृह युद्ध की वजह से जरूरी खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए भेज दिया था। ब्रिटेन तक भारत की समृद्धि पहुंचाने वाला व्यक्ति एक घुमंतू व्यापारी रॉल्फ फिच था, जिसे हिंद महासागर, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में व्यापारिक यात्रा करने के दौरान भारत के बारे में पता चला था। ऐसे में रॉल्फ फिच जब अपनी यात्रा पूरी करके वापस ब्रिटेन लौटा, तो उसने ब्रिटेन की महारानी को भारत की समृद्धि के बारे में बताया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटेन के व्यापारी घुमंतू सर जेम्स लैंकास्टर समेत 200 से ज्यादा प्रभावशाली व्यापारी भारत की तरफ आए और उन्होंने 24 अगस्त 1608 में सूरत बंदरगाह पर अपना पहला कदम रखा था। हालांकि उस वक्त अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन ब्रिटिश व्यापारियों ने हार नहीं मानी और वे लगभग 7 सालों तक भारत के शाही परिवारों को व्यापार के लिए मनाते रहे, जिसके बाद सर थॉमस रो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी। इस तरह अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत में अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना मद्रास में स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक शुरुआत करने तक दिल्ली की गद्दी पर बैठे बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी शाही गद्दी को जहांगीर ने संभाला और अंग्रेज किसी भी तरह जहांगीर से व्यापारिक अनुमति लेना चाहते थे। उस वक्त भारत में मुगल सेना इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेज उनसे मुकाबला नहीं करना चाहते थे, जबकि भारत में पहले से ही डच और पुर्तगाली कंपनियां व्यापार कर रही थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कैप्टन विलियम हॉकिंग्स ने जहांगीर से मुलाकात की और उन्हें व्यापार के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन जहांगीर ने उनका प्रस्ताव नहीं माना। इसके बाद लगभग 3 साल तक जहांगीर से बातचीत करने के बाद ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने जहांगीर को व्यापार के लिए मना लिया, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता, बॉम्बे समेत विभिन्न जगहों पर अपने कारखाने स्थापित कर दिए। उस वक्त तक ब्रिटिश व्यापारी भारत से रेशम, नील, कपास, चाय, अफीम और मसालों का व्यापार करना चाहते थे, लेकिन भारत में धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों का दबदबा बढ़ता जा रहा था। ब्रिटेन समेत फ्रांस और पुर्तगाल की विभिन्न कंपनियां भारत में कारखाने खोलकर अपना व्यापार कर रही थीं, जिसकी वजह से उन विदेशी कंपनियों में आपसी हुड़ होने लगी। ऐसे में अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने भारत में अपना दबदबा कायम नहीं किया तो किसी दूसरे देश की कंपनी भारत के मसाले और अन्य उत्पादों पर अपना अधिकार जमा लेगी। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शाही परिवारों से अपने रिश्ते बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, ताकि शाही परिवार उनके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न ना करें। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने अपनी कूटनीति से भारत में व्यापार कर रही अन्य डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि कंपनी अपने व्यापार को निरंतर बढ़ाती जा रही थी। ऐसे में 1700 के दशक तक पहुँचते पहुँचते ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, जिसके बाद अंग्रेजों को एहसास हुआ कि वह भारत को अपने अधीन कर सकते हैं। भारत में पहले से ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर लोगों के बीच काफी मतभेद थे। उस वक्त जात पात और ऊंच नीच की भावना इतनी ज्यादा थी कि अंग्रेजों को शासन करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अंग्रेजों ने भारतीयों के आपसी मतभेद का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो नीति का पालन किया, जिसके तहत उन्होंने कुछ भारतीयों
और शाही सेना के लोगों को अपना खास और वफादार बना लिया था। इसके बाद सन 1750 के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से भारत के शाही परिवारों के हाथ से धीरे धीरे सत्ता जाने लगी थी। इसके बाद साल 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक शासक के रूप में उभरने लगी थी। सूरत, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जैसे शहरों में ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा हो चुका था, जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। इन जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कल्चर को भी बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से बाजार बदलने लगे और अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति रवैया भी बदलने लगा। जिन अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए भारत के शाही परिवारों से अनुमति मांगी थी, वही अंग्रेज अपनी मर्जी से भारत में कहीं पर नया कारखाना खोलकर अपना व्यापार शुरू कर रहे थे। अंग्रेज भारत पर इस तरह हावी हो गए थे कि वह बंगाल में भारतीयों से मजदूरों की तरह दिन रात काम करवाकर सस्ते दामों में सामान तैयार करवाते थे, जबकि उसी सामान को दूसरे देशों में ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाते थे। भारतीय अपनी जमीन पर ही गुलामी भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए थे, जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भारत की जमीन पर उसी के लोगों को गुलाम बनाकर लगातार अमीर बनते जा रहे थे। उन्होंने न सिर्फ भारत का शाही खजाना लूटा था, बल्कि धरती पर उगने वाली हर छोटी से छोटी चीज को महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमाने लगे थे। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों के तेवर बदल गए थे और उन्होंने देश में नई राजस्व प्रणाली की मदद से भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके चलते भारत के लोग जो राजस्व देते थे उसके एक तिहाई हिस्से के बदले उन्हें अपना उत्पाद कंपनी को बेचना पड़ता था। भारत में ऊनी कपड़ों से लेकर शॉल, रेशम और मलमल के व्यापारियों और किसानों के हालात बहुत बुरे हो चुके थे, जिनसे जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद थे, जो भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों, मजदूरों और व्यापारियों से जबरदस्ती काम करवाते थे। ऐसे में विभिन्न देशों में कपड़े, रेशम और मसालों की बढ़ती मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीयों की होती थी, जिसका सारा लाभ अंग्रेजों की जेब में जाता था। अंग्रेजों के शासन के दौरान आम जनता के हालात इतने खराब हो चुके थे कि वह अंग्रेजी अफसरों को देखते ही सिर झुका लिया करते थे। उनके अंदर ना तो विद्रोह करने की ताकत थी और ना ही उनके खिलाफ आवाज उठाने की क्षमता। ऐसे में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए भारत पर कई सालों तक राज किया, जो भारतीयों को लूट ले गए और खुद शाही जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में महंगाई और भुखमरी अपने चरम पर थी, जिसकी वजह से बंगाल में अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी। लोग भरपेट भोजन न मिलने की वजह से कुपोषण का शिकार होने लगे थे। हालांकि इसके बावजूद भी उनसे पूरा काम करवाया जाता था। जो भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और भयानक सजा दी जाती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग 120 साल तक शासन किया था और इस दौरान हमारे देश में 34 बार अकाल पड़ा था। भारतीयों को उनके हिस्से का भोजन न देकर अंग्रेज उसे दूसरे देशों में बेच देते थे और कई पाउंड्स का मुनाफा कमाते थे। ब्रिटेन से आए अंग्रेजों ने भारत में ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार थे, जिनसे अंग्रेजी सैनिक मजदूरी करवाया करते थे। ऐसे में भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनने लगी, जिसके तहत सन 1857 में आजादी के लिए पहली लड़ाई शुरू की गई थी। मेरठ से शुरू हुई इस लड़ाई का अंत जल्द ही हो गया था, जबकि इसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस लड़ाई ने भारतीयों के दिल में आजादी की चिंगारी जलाने का काम किया था, जिसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों की नींव हिलाने की कोशिश शुरू कर दी। आखिरकार कई कोशिशों के बाद साल 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था, लेकिन तब भी भारत पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को ब्रिटिश सेना में विलय कर दिया गया था, जबकि कंपनी की नौसेना को खत्म कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद भारत ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो गया था। हालांकि उनके शासन में भारतीयों के हाल उतने बुरे नहीं थे, लेकिन भारतीय अब पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों से आजादी चाहते थे, जिसके तहत राजनीतिक पार्टियों, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कोशिशें जारी रखी और इसके परिणाम स्वरूप साल 1947 में भारत को अंग्रेजों और ब्रिटिश राज से पूरी तरह से आजादी मिल गई थी। हालांकि भारत को अंग्रेजों के जाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी,
जो देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, वहाँ के लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए भोजन तक नहीं था। अंग्रेज अपने साथ न जाने कितना सोना, चांदी, फसलें और कपड़े आदि लेकर गए थे, जिसकी वजह से भारत को अपने सामान्य हालातों में वापस लौटने में लंबा वक्त लग गया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेज कैसे एक कंपनी के जरिए भारत आए थे और उन्होंने देखते ही देखते एक पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति को अपनाया था, जो भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ऐसे में अगर आप फिर कभी गुलामी का दौर नहीं देखना चाहते हैं, तो हमेशा एकजुट होकर रहें, ताकि कोई विदेशी हमें आपस में बांटकर फिर से राज करने की कोशिश ना करे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।